बाबा सईद रियाज हुसैन शाह ने इस वजह तो कब्र बनाई है। बाबरी हज भी की तो है ना, हज ते गए ते मां दी कब्र नजर नहीं आई है। हाय हाय उम्मीदारेन कुर्बान कर देवा। तो जितने सैयदो एक हदीस ही काफी है, उस हदीस के मुताबिक सैयदा दी जद्दा दी कब्र है जरी दी, और बिल्कुल मिन्नू अन कोई एक इंच और एक फुट का भी फर्क नहीं। तो जदों इथो गुजरो बड़े बा अदब हो के गुजरो, जदों इस जरिया ले पासे टुरो बा वुजू हो के टुरो, इंज ही आओ जिवे मखदूमा दी जरी ते लोग वेंदे न, ज़ियारत मौजूद है। और बड़ा बहुत बड़ा मकाम है इस जगह ते, तुसी आंदे रासो इथो दे जेड़े नज़ारे न जो मकबूलियत है। और मत कोई समझे भई इस जरी ते आमण नाल कोई जरी नू फायदा होसी, नहीं, ये दुआ करें थोड़ी कब्रां भी दुआ करें सैयद रियाज हुसैन शाह नू। मैं आदा वो बंदा इत्थे जरूर आके दुआ मंगे जेंदियां धीयां औखियां होवे। वाह भाई वाह, वो जरूर मंगे जेंदी धी वे औलाद होवे। सदका 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 बिस्मिल्लाह करा। मैं लखवेरी आखा बड़े ही बख्तां ले लोगो, कोई गल्लां दा वक्त ही नहीं। मैं इस वजह तो पीर जुरिए शाहरी भी जान दे करबला भी रहा, तो मैं जरी पाक ते जिहड़ी मजलिस पढ़ना नो बड़ा मुश्किल हो जांदा, टुरदियां साईयां दी मंजूरी भावे। मैं अलहम्दुलिल्लाह गवाही देसन पाक मखदूमां दे हरम विच पिछे हाल जिथे जाकरीन पढ़दे हाल च गया तो मैं नहीं पढ़िया, लेकिन तीन दिन शाम विच मैं पाक सैयदा दी मखदूमा धी दी जरी दे नाल खलो के तीन दिन मजलिस पढ़ीए, किसे नहीं पढ़न देंदे, बस अपनी अपनी मंजूरी होंदी है। ते ढेर ढेर सारा डर ते अदब है, मैं दस ही नहीं सकता, मेरी जबान ही ताकत ही नहीं।